गुजरात में बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर चल रही है। गुजरात के लोग नतीजे आने के बाद ऐसे पटाखे होते हैं, लेकिन आपने तो नतीजा पहले ही घोषित कर दिया। इनकलाब भारत माता की जय, जवान जय किसान। जब से हम गुजरात में घूम रहे हैं, हर रोज ऐसे लगता है कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन अगले दिन जब जाते हैं तो आप खुद ही अपना रिकॉर्ड गुजरात के लोग तोड़ रहे हैं। ये देखिए कितने कहां तक भाई साहब बालकोनी में ये कहां लोग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए दूसरी पार्टियां लालच दे के लोगों को लेके आती हैं, कोई ना कोई दिहाड़ी दे के लोगों को लेके आते हैं, लेकिन हमारी हमें लगता है हमसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और झाड़ू सफाई करता है। झाड़ू वाला बटन दबाकर अपने आप से बोल देना कि मैंने गुजरात में से राजनीतिक गंदगी साफ कर दी है। 27 साल भाई साहब कमाल है, धन्य हो आप। 27 साल, अरे हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। बहुत लूटा इन्होंने, खा गए गुजरात को, कोई हिसाब किताब नहीं देता। जब जनता जाती है कोई नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए, कोई गांव के काम के लिए, तो कहते हैं जी खजाना खाली है। अपने बच्चे बच्चियों को चेयरमैन बनाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को विधायक बनाने के लिए खजाने कैसे भर जाते हैं भाई? हमारे लिए खजाना खाली है क्यों? पेपर फूटते हैं, नौजवानों का पढ़ने को मन नहीं कर रहा क्योंकि पेपर फूटते हैं, और अमीरों के बच्चे जो हैं वो पास होकर नौकरियों पर जाते हैं, गरीब यहीं रहते हैं। क्यों भाई? ये बदल दो। दिल्ली में बदला था अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, पंजाब में 7 महीने पहले यही हालात थे, और रिजल्ट भी वैसे ही आना चाहिए पंजाब वाला जो गुजरात में हालत है। ये देखो आपने आप निकले हो, और आपका चला हुआ एक कदम हमारे सर माथे पर, हमारे सर माथे पर। 117 में से 92 सीटें आई पंजाब में, 92 में से 82 विधायक पहली बार चुने गए आम लोगों के बेटे बेटियां हैं, पहली बार चुने गए 82। तो भी आपके बच्चों को टिकट क्यों नहीं मिल सकती? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन क्यों नहीं बन सकते? क्या कुर्सी पर बैठना नहीं आता उन्हें? गाड़ी में बैठना नहीं आता उसे? बन सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो आम लोगों को समय दे। आम आदमी पार्टी है जो आम आम घरों के बेटे बेटियों को विधायक बना के भेजती है। पत्रकारों ने मुझे पूछा कि कितनी सीटें आएंगी गुजरात में, मैंने कहा बता दूं? बोले बता। मैंने कहा हमारी पार्टी की हिस्ट्री ये कहती है हम किसी सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते। दिल्ली में किसी सर्वे ने कहा था कि 70 में से 67 आ जाएंगी? नहीं, सरकार में आए। पंजाब में किसी सर्वे ने कहा था 92 आ जाएंगे? नहीं, सरकार नहीं आते। ऐसे ही गुजरात में होगा भाई साहब। अब तो हम ये कहते हैं 8 साल में पार्टी के
पास दो गवर्नमेंट है, दो स्टेटों में गवर्नमेंट है, 10 एमपी है राज्यसभा के। अब 8 तारीख को इसमें एक उंगली और जोड़ लीजिए, 3 कर दीजिए गुजरात। आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका पंजाब में और दिल्ली में? मैंने कहा जी उनके चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। हमने कीचड़ की सफाई कर दी झाड़ू से, कमल उगई नहीं, कमल उगई नहीं। 117 में से 2 सीटें हैं भाई साहब भाजपा की पंजाब में। मैंने कहा स्कूटर पे आ जा करो, 2 सीटें। और कांग्रेस की बात करें या ना करें, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग जैसी हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है घर में जाकर लो, इसमें कुछ नहीं है। वो तो बिकते हैं, जीत भी जाएंगे बिक जाते हैं, पार्टी बेच जाते, आपके वोट को बेचेंगे, वो धोखा करेंगे आपके साथ। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और उसमें अपना हिस्सा पाओ, उसमें अपना योगदान दो। आपके यहाँ से जीतेंगे, अच्छे लोग जीतेंगे, वहां जाके विधायक आपके मंत्री बनेंगे और आपकी समस्याओं को जानते हैं, तो पैसा कानून भी आएगा, सब आएंगे, ताकि भारत बना के, ताकि लोगों को ये लगे हाँ ये हमारी सरकार है। स्कूल अच्छे बनेंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे, अफसर बन के घरों की गरीबी खत्म करेंगे। अस्पताल अच्छे बनेंगे, पूरे 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, शानदार हॉस्पिटल होंगे। और हमने वादा किया था पंजाब में बिजली हम मुफ्त करेंगे, 1 जुलाई को हमने बिजली मुफ्त की, 300 यूनिट पर महीना, 2 महीने का बिल आता है, 600 यूनिट हो गया जुलाई अगस्त का, सितंबर में और अक्टूबर में बिल आया 50 लाख घरों का बिल जीरो आया भाई साहब। हम जो कर सकते हैं वही कहते हैं, जो नहीं कर सकते हम कहते नहीं। हम 5 काम बोल के 6 कर दें तो शाबाशी दोगे, हम 6 बोल के 5 करें तो कहोगे कमी रह गई, इसलिए हम 5 ही बोलेंगे जो कर सकते हैं। हाँ कोई मौका ऐसा आया कि ये काम भी हो सकता है कर देंगे, वो काम भी कर देंगे। हमने 20,000 नौकरियां निकाली 7 महीने में पंजाब में सरकारी, सभी को नियुक्ति पत्र मिल गए, वो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 20,000 सरकारी नौकरियां, ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया हमने, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर दिया हमने, और ये आउटसोर्सिंग ये वो सब बंद कर दिया। मुझे पता चला गुजरात में है ही कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, क्या पता कब निकाल दे, क्या पता कब निकाल दे। क्यों जी? इनके लिए हम 5 साल पक्के देते हैं, ये हमारे बच्चे बच्चों को 2 महीने की नौकरी भी नहीं देते। क्यों भाई, क्यों दें वोट हम इनको? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ये जो खा गए पहाड़ों को खा गए, ये बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये बुजुर्गों की दवाई खा गए, सड़कें खा गए, जमीनें बना ली इन्होंने, इनको बोल देना भगवंत मान आया था सीएम पंजाब, वो यहाँ बोल के गया है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता भाई, बद्दुआ ना लो लोगों की, गरीब की बद्दुआ ना लो, गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह एक ही बात है, बस सीधी जाती है भाई, सीधी सुनी जाती है गरीब की। तो हम तो आम लोगों का भला करने के लिए आए हैं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, आप इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। मैंने मुझे एक लड़का मिला, मैंने कहा जी गुजरात को क्या चाहिए? बोला चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है? बोले जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? नहीं जी वो चेंज नहीं, वो तो चेंज बन गई है, वो तो बिकते हैं, वो तो इधर उधर जाते हैं, वो आए ही नहीं, इलेक्शन लड़ने नहीं आए इस बार। इसका मतलब उनको पता चल गया कि आप
गुजरात के लोगों ने फैसला कर लिया 27 साल पुरानी चक्की उखाड़ के फेंक देंगे 8 तारीख को 1 बजे तक इस समय लगभग इस समय तक गुजरात में खुशियां पटाखे चलेंगे। मुझे ये नहीं पता, मुझे पता नहीं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं, सच्चे दिन। दोनों जी दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगाऊंगा। ये नारे किसके हैं? हमारे यहाँ नेता का नारा नहीं लगता था भगवंत मान जिंदाबाद। हम कौन है? हम तो आप जैसे लोग हैं, केजरीवाल जिंदाबाद। हम नहीं, हमारे यहाँ लगता है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जो बदलाव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ये नारे लगाते थे। आज उनकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा थोड़ा बहुत कि हैं कुछ लोग जिन्होंने अभी इनकलाब का दिया जगा के रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा इनकलाब। थोड़ा सा होता तो कोई नेता भी बैठा होगा, कुछ इनके सीवेज वाले भी आए होंगे बीच में, वो बता देंगे कि काम खराब है। थोड़ा होल कर दो, थोड़ी सी बेट इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बोले सोनिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार सत्कार से सुना, सम्मान दिया। मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आप खुश रहें, तरक्की करें, तंदुरुस्त रहें जी।